वेलकम बैक नाज़रीन, हुण सरदार जमाल खान लगारी साहब ॾिसंदे पिया आहिनि कि पंजाब जे महरूम इलाक़ा जेको सराइकी आखदनि, जनूबी पंजाब बि आखदनि, उथां कीवें पंजाब जे मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे उन नाल इस्तेसाल कीते, बहुत पैसे दी जड़ी उन को मिलन बजट से 175 अरब आदे पैन, उन्दे जो सिर्फ सारे जनूबी पंजाब दे बहावलपुर डीजी खान मुल्तान डिवीजन सिर्फ 5 अरब रुपए दे तरक्याती काम थींदे पैन। आखिर लोग इन शय को देखते पैन कि उन नाल क्या ज्यादती थींदी पई, इसो दोबारा गाल शुरू करें। मैं ताजमहल खान लगा साहब को आदा, मैं सरदार साहब दी दो गाल ही इन्होंने कितने हाल ही में बई भी करे सो, ये बिल्कुल फैक्ट है कि पानी वेचे इन्हें शहबाज शरीफ ने सराइकी इलाके का, जिले लिया मैं सिंध को पानी दे दीते, सराइकी इलाके का पानी दीते, और NFC अवार्ड भूल गए वे, जिले लिया NFC अवार्ड जी मैं पंजाब ने कुर्बानी दी है। लेकिन तीजी गाल NFC अवार्ड जड़ा है ये पहले तो सबको मिला ही कोई नहीं 60 साल को, ये सराइकी खिते को रफली हाफ हाफ NFC अवार्ड सराइकी खिते तो खाती होना चाहिए, तो इतना करे थे शहबाज शरीफ। एक बई अर्ज कर रहा कि ये जो पार्टियां जड़िया हैं, मेरे दोस्त हैं, भिरा हैं, अजीज हैं, खाना वैदी है सारे नाल, मैं उन्होंने को आता पिया इन्होंने एक अजीब तर्ज हुक्मरानी बनाए जरा गलत है, अवाम इन्होंने को पूछ सन भाई जरदारी साहब जो कुछ सिंध के बारे करें दे, यूसुफ रजा गिलानी साहब उनके उत्ते उफ ही नहीं करें दे, कोई उच्ची आवाज ही गाल नहीं करें दे। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर आई तो उन्होंने आख्या मैं बिहारी आबाद करे असा सिंध, तो उन्हें फ्लोर हाउस उत्ते आख्या उन्हें ये जड़ा हूँ भी एजुकेशन मिनिस्टर जड़ा इन्हें आख्या नवाज शरीफ सुन गए अगर तू एक बिहारी भी आबाद किया सिंध में तो मैं रिजाइन कर दे सा। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नवाज शरीफ ने कोई आबाद ना किया, जिला मिनिस्टर है सी सिंध वाला बड़ा जिला सरकार बजरानी जी उन्हें फ्लोर ते आख्या सरायकी नाराज ना थी वाए सरायकी खिते दे MNA MPA वजरा बोझ दे लेन कमजोर हैं और पंजाब और सिंध दे कासा ले सन वो नाराज नहीं करना चाहते जरदारी साहब मैं ते बेड़ा चाहती पे मैं हुक्मरान पार्टी की गल कहता पे क्योंकि फर्ज बनते यूसुफ रजा गिलानी साहब का कि पानी का हिस्सा साहब को गिना रहे क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब तो जिम्मेदार तो रहे नहीं वो सनतकार हैं लिहाजा उन्होंने एक कंसर्न कोई नहीं उन्होंने जमीन पे अच्छा सनतकार मैं तो रोज अपनी बस्ती है उन्होंने केड़ी सनत और मैं को हाथ जोड़ के आ दे कि पानी का कुछ करो जी पिछले 7 साल तो काज है सराइकी मसला जड़ा है जनूबी पंजाब ये जनाब भी हैं पिछली पार्लियामेंट इसके बहुत ज्यादा असा डिलीवर ठीक है बड़ा शोर मचे हासे जनाब मेरा तो नहीं है इवें रियासत की इरादे दे हैं पिछली पार्लियामेंट है बिल्कुल ठीक है जी अच्छा इवें ही हो ना ना ये पेट अच्छा असा तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं मैं ना ना ये सारे असा रोल प्ले कर रहे हैं कयूम जदोई दा यार मैं बड़ा यार शोर मचा है यार साहब के बेचारे इवन रियाज पीर दादा ने कीते मेरे फ्रेंड रियाज पीर दादा के सारे के गिन गया हुन बावे मुकरी बने अगर लोग घिन में अच्छी सरदार साहब एक गाल नहीं की सरदार साहब हर जाते कराए शहबाज शरीफ सराइकी खिते दी जमीना वेचना चाहते कारपोरेट फार्मिंग देना चाहते स्टैंड गिनो जनाब चोलिस्तान में सारे इन्हें पहले 25,000 एकड़ तारिक चीमा दे दौर दे विच भावलपुर अपर पंजाब दे पंजाबियों को आबाद की जा गए समझे जी लिहाजा है जमीना दी स्कैंडल इन कोई इलावा है इन दो ते गिलानी साहब चुप हैं मायादा इन्होंने एक वर्किंग रिलेशनशिप की थी मैं को मोहतमेद जराए नाल आख्या गया जेले मैं मुल्तान दा मसला रेस कीता सदर साहब दे कह मोहतमेद को तो ना कह सदर साहब आते भी मैं जेले मुल्तान दा प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे प्राइम मिनिस्टर को आखो अच्छा सदर साहब ने ये जुरिडिक्शन दे दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को यानी सराइकी रीजन ऑलमोस्ट ठीक है जेडी वजीर आजम साहब रेज करना से तैयार कह नहीं कि वो पंजाब को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि वजीर आजम साहब ने अपने बेटे को वाली वजीर बनवाने वाल वजीर आला बनवाने वाल लंबा प्रोग्राम जी बिल्कुल अच्छा अच्छा वाल उन्होंने हारी अपनी टर्म मुकम्मल करनी है वाल सेकंड टर्म प्राइम मिनिस्टर बनने ये इख्तदार की हिवेस इतनी ज्यादा है
کہ عوام دے مسائل کرن دے سی عوام دی گفتگو کرن واسطے بہت ساری قربانی دیونی پوندی ہے. تساں شروع کیتی ہے نا, تساں دیکھ سو کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی ناراض ہے. اسٹیبلشمنٹ دا اصول ہے کہ عوام دی گال نہ کرو, اساں کول جو گھننے وگے. اچھا ناظرین, اج سارا روہی ایکسکلوسیو دے اوتے بڑے بہترین قسم دے میری کم از کم نالج دے بڑا اضافت ہے. بھائی تاج محمد خان لنگاہ صاحب, لغاری صاحب, بہادر خان سیر صاحب, یہ سارے نے بڑے اچھے منطقی طریقے نال اپنا مسئلہ سمجھائے, اور میرے خیال ہے کہ ساکو امید رکھنی چاہیے کہ جتنے سارے مسائل ہیں اگر اساں ای طریقے نال مل جل کے انہاں دی کوشش کرے دے رہوں تو کہیں نہ کہیں وقت آوے سی کہ ساری کامیابی میرے خیال ہے اتنی دور کوئی نہیں. تاج محمد خان صاحب نے 40 سال لا دیتے جی ہی کم وچ, تے اپنی ساری زندگی وقف کر دیتی ہے. تے اگر اساں انہاں چیزاں کو دیکھ کے اگر لوگوں دے واسطے ہی آکھنا نا, اساں اپنے ذات واسطے تے نہیں پیا دے اور لوگوں دے واسطے سارے نمائندے گال کریں دل ہزار آئی تھی اساں معذرت کریں جی. اور ان دی وجہ اج تو تاری وجہ آون دی بڑی مہربانی, اور اساں انشاءاللہ ول تک تکلیف دسوں اور آئندہ ملاقات تھی سی اور تو نال ہی اس قسم دے علاقائی گلاں دے تے ساری آپس تبادلہ خیالات تھی نرس. بڑی شکریہ, بڑی مہربانی.